गुरु मे महे प्रिया नन्द्वा प्रियपति गुङ्गवा महे निधि नन्द्वा निधिपति गुङ्गवा महे पशु मम अहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम नमस्कार। आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप तमाम दर्शकों को न्यूज फाउंडेशन के हमारे ऑफिस से तमाम दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। ये दीपोत्सव आपके जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई रोशनी नया प्रकाश लेकर के आए, इसी कामना के साथ हर दिन हम आपके लिए खबरें लेकर के आते हैं। दीपावली का दिन है और आज भी आपके हम खबरों को लेकर के पहुंचे हैं। ये पूरा सेगमेंट जो है, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो लोग आपके लिए खबरें लाते हैं, चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर वो खबरें आपके लिए newsfunction.com पर खबरें जो टेक्स्ट फॉर्मेट में आती हों, आपके लिए जो खबरें लाती हैं, वो तमाम लोगों ने इस तरीके से रंगोली बनाई है। ये सेगमेंट जो है, अगर यहाँ की बात करें, क्योंकि आज फुल स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ इस पूरे हिस्से में आईटी के लोग बैठते हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स के लोग बैठते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा न्यूज रूम वाला जो पूरा हिस्सा है ये, और यहाँ जैसे आप अंदर आएंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है वो न्यूज रूम है हमारा, जहाँ से हम आपके लिए न्यूज वीडियोस या फिर खबरें लेकर के आते हैं। ये सभी लोग जो है यहाँ पे हैं, यहाँ पे स्पीकर के सबसे आपको परिचय करवाएंगे। और देखिए, सबसे पहले जानवी जी शुरू करें। जानवी जी, आज ये .com पे आपके लिए खबरें लिखती हैं, जानवी जी आप कैसे आज दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं? सबसे पहले तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और दीपोत्सव है तो जाहिर तौर पर हम लोग सब दीप जलाएंगे और लक्ष्मी गणेश की आराधना करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग खबरें भी लिखेंगे ताकि आप तक खबरें समय पर पहुंचती रहे। तो बिल्कुल, देखिए खबरें पहुंचती रहें, इसका हम लोगों ने ख्याल रखा है। अनूप जी हैं हमारे साथ में, ये भी सुबह की शिफ्ट में होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में, और आज लेट तक हैं, और ये हम आपके लिए खबरें लेकर के आते हैं। दिवाली कैसे मन रही है? बस आज दीपावली कार्यालय में ही मनेगी और घर पर पूजा किया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मनेगा। राजगीर भैया हैं ये हमारे साथ में, और ये भी .com के आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। कैसे सेकेंड शिफ्ट में रात तक रहेंगे, आपके लिए खबरों को लेकर के आएंगे, कैसे मना रहे हैं दिवाली? हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, दिवाली को पर प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, ये अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई का प्रतीक का पर्व है। इसके साथ हम आप लोगों को खबरें भी उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि आप लोग देश दुनिया के में क्या क्या चले हो रही है इससे बने रहें, और मिठाई और दीप जलाकर मिठाई खिलाकर लोगों को हम लक्ष्मी की आराधना करेंगे और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना। तो बिल्कुल राजगीर भैया ने बधाई दी, आकाश कैमरे पे काम करते हैं हमारे लिए, और ये आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, मतलब जो चेहरा नजर नहीं आता है आज हम आपको उन चेहरों को भी दिखा रहे हैं। आकाश कैसे मनाओगे दिवाली? बस मनाए थे। क्या करोगे, पटाखे फोड़ोगे? नहीं, दिया जलाओगे? तो देखिए आकाश है कैमरे, क्योंकि कैमरे वाले थोड़ा सा वोकल नहीं होते हैं। यहाँ पे पंकज जी हमारे साथ में, ये भी आपके लिए .com पे हमारे लिए खबरें लेकर के आते हैं। पंकज जी, दिवाली कैसे मना रहे हैं? पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली को। जैसे कि हमें हमारे सभी साथियों ने बताया कि दिवाली पर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, और दिवाली पर हम लोग दीपावली दीप जलाते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर कार्यालय में दिवाली मनाएं वैसे ही घर पर मनाते हैं। और सभी को मैं ये बधाई देता हूँ कि सभी आप लोग भी दिवाली मनाइए, और आपके लिए जो खबरें होगी हम लोग उपलब्ध कराते रहें। बिल्कुल, तो पंकज जी, दिवांशु जी हमारे साथ में। दिवांशु जी मूल तौर पर आपके लिए फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग कंटेंट तय करते हैं कि आखिर हम दोनों मिलकर तय करते हैं इनफैक्ट कि कौन सी खबरें आएंगी, कब लगेगी, वीडियो फॉर्मेट में क्या होगा। दिवांशु जी कैसे दिवाली मनेगी आज की? देखिए घर पर दिवाली मनाने का मजा जो है कुछ और ही है, लेकिन ऑफिस का में भी दिवाली जो मनाने का मजा है ना, वो कुछ और ही है। जैसे भी हम दिवाली मनाएं, लेकिन पर्यावरण की लय के साथ मनाएंगे। दरअसल क्रैकर नो क्रैकर्स, इस बार क्या हर बार मैं कभी भी पटाखे नहीं फोड़ता हूं, क्योंकि बिहार में वैसे भी इस बार 4 शहरों में पटाखे फोड़ने पर बैन है, और हम भी अपील करेंगे कि क्रैकर मत फोड़िए, घर में रहिए, पटाखे बिल्कुल ही मत फोड़िए, मिठाइयाँ खाइए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन क्रैकर फोड़ने से जो है कि बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। और हम ये मैसेज भी जरूर देंगे कि जो भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो
जो है वो पटाखे बिल्कुल भी ना फोड़े, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी, और जो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम ज़रूर दें। बिल्कुल देवांशु जी, खबरें वीडियो आपके लिए लाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। शुभि हमारे साथ में कुछ दिन पहले तक थी, अभी नए सफर पर हैं, लेकिन शुभि को हमने आज विशेष तौर पर बुलाया है। और शुभि, कैसे दिवाली मनी और कैसे मनाने का प्लान है? इस बार तो पूजा आराधना तो करनी है दिवाली की। सबसे पहले सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा नू दिवाली में इस बार आप क्रैकर्स ना जलाएं तो बेहतर होगा, और साथ ही साथ कोरोना काल है इसलिए अपने आप को सेफ रखते हुए हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। बिल्कुल, ये आवाज़ आपने हमेशा सुनी है। मिली हमारे साथ में, मिली आज कैसे दिवाली मना रही हो? सुबह से तो मौके मिलती रंगोली बनाने में, प्रसाद पूजा ये सब कुछ हुआ, अब आगे क्या? सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं, और इस साल दिवाली में आप क्रैकर्स ना बर्स्ट करें और एनिमल्स को ना परेशान करें, क्योंकि अक्सर लोग एनिमल्स के पास क्रैकर फोड़ते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो एनिमल्स को परेशान किए बिना दिवाली मनाइए, खूब इंजॉय कीजिए और एक दूसरे को मिठाई खिलाइए या मुँह मीठा कीजिए। तो खुद भी बहुत खाओगी आज? हाँ, बहुत। मेरी हमारे हम की सबसे बड़ी फूडी है वंदना है हमारे साथ में, ये आपके लिए फील्ड रिपोर्ट करती है, तमाम जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो खबरें जो ग्राउंड से लेके आते हैं, जो हम हमारे पास पहुंचती हैं और जिसको हम फिर आप तक पहुंचाते हैं। वंदना, आज तो रिपोर्टिंग वाला पार्ट बहुत कम हुआ लेकिन ऑफिस वाला बहुत हुआ है, और कैसे अब आगे कैसे मनाओगे दिवाली को, आज क्या क्या रहता है? सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को प्यार भरा शुभ दीपावली करना चाहेंगे, और हम अपने ऑफिस में दीपावली को मनाए हैं, इसके बाद अब घर जा करके सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि पटाखे ना जलाएं और घर में ज्यादा से ज्यादा मिठाई खाएं, खुशियां मनाएं, एक दूसरे से प्यार करें, स्नेह करें, और सभी एक दूसरे को उपहार दें खास करके, और यही कहना चाहेंगे। तो चलिए, ये वंदना है ना, तो दबंग टाइप से रिपोर्टिंग करती है आपके लिए। राजू जी हमारे साथ में, हमें ऑफिस में मूर्त तो सर्व करते हैं लेकिन हमारे न्यूज फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा है, सबका ख्याल रखते हैं। राजू जी, दिवाली कैसे मना रहे हैं आज? दिवाली तो बहुत अच्छे से मनाएंगे, अभी तो थोड़ी देर के बाद मैं घर जाऊंगा क्योंकि वहाँ भी पूजा कराना है, और क्या कहूँ। ये दिवाली, ये राजू जी का जो अंदाज है ना, ये सब चाय पिलाएगा, चाय पिलाएगा। और देखिए राजू जी हमारे साथ में, ये युवराज है, युवराज मूल तौर पर आपके लिए वीडियो अपलोड करता है, खबरों को तय करता है थंबनेल क्या जाएंगे, और मॉर्निंग शिफ्ट ओवरऑल यही एक्टर के संभालता है सुबह के शिफ्ट में। कैसे दिवाली मना रहे? अंधकार पर प्रकाश की विजय को दीपोत्सव कहा जाता है दिवाली। अयोध्या से शुरू हुई ये जो पर्व है लगातार देश और विदेश में मनाई जाती है, उसके लिए न्यूज़ फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं। मैं निजी तौर पर भी सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए यहां पे एक बार दर्शन कराते हैं, यहां पे अभी अभी थोड़ी देर पहले पूजा सम्पन्न हुई है, हमारे दर्शक गणेश जी यहां पर हैं, और कुछ इस तरीके से ऊपर पूरा थोड़ा सा क्लटरी हो गया है आज का माहौल। यहाँ पे हमारे जो कि हम लोग हर दिन जहाँ पे अमूमन ऑफिस आने के बाद जहाँ प्रार्थना करते हैं वो ये जगह है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्लटरी लग रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को बहुत ध्यान मत दीजिएगा। सचिन है, अब सचिन के पास ये सेगमेंट दरअसल मूल तौर पर हमारा जो है वो वीडियो एडिटियो यहीं से बनता है, यानी कि जो खबरें हम तक पहुँचती हैं ग्राउंड रिपोर्ट से वो वहाँ डेस्क पे एक हिस्से से यहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से बनने के बाद फिर हमारे पास आती है और वहाँ से फ्लोर में जाती है। सचिन, दिवाली कैसे मना रहे? दिवाली हम लोग सुबह से आए ऑफिस में, पूजा हो गया, अब घर पे पूजा करेंगे, और हर साल की तरह इस साल भी पटाखे फोड़ेंगे और अच्छे से दिवाली जैसे सेलिब्रेट करते वैसे करेंगे। क्या खाओ पियोगे? क्या खाओगे तुम? तो जो घर पे बनेंगे पकवान वही खाएंगे। घर पे बनेंगे पकवान? झूठ बोल रहा है। ये ऑफिस में सबको खाने और खिलाने का जिम्मेदारी, ये मतलब ऑफिस में सबको, मतलब बाहर ये खाने की लत लगाता है, सबको बिगाड़ के रखा है। मोनू है हमारे साथ में, मोनू सिंह, और मोनू बिहार पटना में रहता है और परिवार बहुत दूर है, लेकिन न्यूज़ फाउंडेशन में ही इसी दिवाली मनाई। क्या 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 सुबह सब क्या करने का प्लान है? जी, सबसे पहले न्यूज़ फाउंडेशन के हमारे सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली, और सुबह से मैंने ये पूजा का सारा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे। और बनाओगे कैसे? तो हो गया पूजा वाला मेरा शिफ्ट तो आज रात तक का है, फिर यहाँ से फ्री होकर मैं घर जाऊँगा उसके बाद। तो मतलब तुम रात तक में खबरें लेकर के आओगे, यानी कि रात तक आप तक खबरें पहुंचेंगी, ये हम हमारी पूरी टीम की कोशिश है, हालांकि फुल स्ट्रेंथ नहीं है, कई लोग जो है नहीं है, जिसमें विजय नहीं है हमारे साथ इस वक्त में, रश्मि नहीं है, सांत्वना नहीं है, तमाम लोग नहीं है इस वक्त में, कॉपी के कई लोग जो है नहीं है इस वक्त में, सब छुट्टी पर है, और अब हम आपको लेकर के आ रहे हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ये रंजन सिंह, रंजन भैया हैं हमारे ऑफिस के, ये पूरा टेक्निकल देखते हैं, मतलब कि चाहे वो लाइव
जाना हो चैनल का या फिर तमाम जो वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे क्या चलेगा, कभी कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाए नेट का, हम दिन भर इनको परेशान करते रहते हैं, रात में भी इनफैक्ट। कैसे दिवाली मन रही है? अच्छे मन रही है, और हमारा तो ये कहना है कि दीपावली दीपों का उत्सव है, हर्षोल्लास के साथ में दीपावली मनाइए और खुश रहिए और खुशी खुशी इस पर्व को एंजॉय कीजिए, शोर शराबा और पोल्यूशन थोड़ा कम कीजिए। तो पोल्यूशन कम करने की बात सब कर रहे हैं, यहाँ पे आप दर्शन कीजिए, भगवान राम आज अयोध्या लौट के आए थे और उन्हीं के आने की खुशी में पूरा देश और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारत के लोग बसे रचे हुए हैं वहाँ पर दीपावली मनाई जाती है। और इस पूरी टीम को जिससे मैंने आपको मिलवाया, जो कई लोग आज पर्दे के पीछे हैं, जो कैमरा कर रहे हैं, मैं सभी नीरज भैया हैं, अकबर अली जी हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त नहीं हैं, जो कि कैमरा सेगमेंट में हैं, जो पीछे रहते हैं, जो आपके लिए अमूमन कभी भी कैमरे पर नहीं आते हैं, लेकिन अमूमन ये यही लोग हैं जो कि हम लोगों को कैमरे के ऊपर लेके आते हैं, आप तक खबरें पहुँचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की होती है। इन तब इस पूरे परिवार को, इस पूरी टीम को जिसने एक धागे में पूरा रखा है, अगर उस पूरे धागे की बात करें तो कौशलेंद्र प्रदर्शी सर हैं, प्रधान संपादक हैं, थोड़ी देर पहले पूजा संपन्न हुई है, आज का संदेश क्या है, किस तरीके से दीपावली जो है मनानी चाहिए और दीपावली मैसेज क्या देता है? देखिए, मैं अभी आप लोगों के साथ पूजा भी कर रहा था, उस दौरान भी मैंने कहा था कि दीपावली का मतलब वही है कि जो खुद दीपक की तरह जल के समाज को रोशन करे, उसी को अधिकार भी है दीपक जलाने का और दीपक से प्रकाश लेने का। मतलब यह है कि समाज के अंतिम पीढ़ी तक हम कैसे दीपक की रोशनी, आर्थिक रोशनी, सामाजिक रोशनी वहाँ तक पहुँचाएँ, ये हमारा मूल काम है। क्योंकि भगवान राम इस दिन दीपावली को आए थे तो उन्होंने कभी ना अपना वचन छोड़ा, ना कर्म छोड़ा, ना धर्म छोड़ा, विपरीत परिस्थितियों में भी। और भगवान राम यही सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम मर्यादित आचरण करके, उतने दिन जंगल में रहे, माता सीता का अपहरण हुआ, लेकिन बिल्कुल नैतिक युद्ध लड़के रावण को परास्त करते हैं और लंका जैसे जगह पे स्थापना करते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं और फिर वो अयोध्या वापस आते हैं। तो ये सिखाता है हमें दीपावली कि दीपक जलता है और दीपक, आप देखते हैं कि दीपक जब जलता है तो उसके नीचे खुद अंधेरा रहता है, लेकिन वो चारों तरफ प्रकाशित करता है। पटाखे की जहाँ तक बात है, हम लोग बचपन में कविता थी ना, आई दिवाली रे, है ना, तो ये खुशी का पर्व है, हम लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन अंतरतम जब साफ हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारा मूल काम, हम तो पत्रकार हैं, हम अपने कलम से रोशनी बिखेरते हैं, हम अपने कलम से सब जगहों पर पत्रकारिता के माध्यम से समाज को रोशन करते हैं, और किस तरीके से हम लगातार, आप कहिए कि लोगों के पास प्रतिदिन रोशनी पहुंचाने का काम करते हैं। जो अंधकार में होते हैं वो हमें याद करते हैं, जिनके जीवन में अंधियारा होता है वो हमें याद करते हैं, ताकि हम अपनी कलम की रोशनी से उन तक प्रकाश बिखेरें। तो ये बड़ी बात है और प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आप दीपक की तरह जलिए, समाज को रोशन कीजिए, और जो अंतिम व्यक्ति है जहाँ तक रोटी नहीं पहुँचता है, जो कष्ट में है, जो सिस्टम से की वजह से लाचार है, हम कलम से आवाज़ उठाएं और आप अपनी जुबान से। कुल मिला करके दिवाली पर फिर से एक बार हम कहना चाहते हैं कि आप दीपक की तरह जलकर समाज को रोशन करते रहिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कौशल प्रदर्शी सर, इस पूरी टीम को यही तरीके से कहें कि मार्गदर्शन देते रहते हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम आपके लिए निष्पक्ष तौर पर खबर लाते हैं। कई बार कई तरह के आरोप भी लगते हैं लोगों पर, लेकिन उन आरोपों को की परवाह करते हुए, आज त्यौहार है, तमाम लोग छुट्टी मना रहे हैं, फिर भी हम हमारी पूरी टीम आपके लिए है जो खबरें लेकर के आई है। और अकबर अली हैं, ये कैमरा डिपार्टमेंट में है और ये कैमरा देखते हैं आपके लिए, यानी कि विजुअल्स लाते हैं। अकबर जी, दिवाली कैसे मन रही है? बहुत अच्छे से मन रही है। ऑफिस आने से पहले तो हमारे दर्शकों को हैप्पी दीपावली, और ऑफिस आने से पहले बच्चों के लिए सब इंतजाम करके हम आए हैं, पटाखे का, फरी का, मिठाई का, खिलौने का, सब। कल से ही शोर मचा था घर पे, सब पूरा करके आए तभी हम वापस ऑफिस आ पाए, वरना आ नहीं पाते। तो बहुत अच्छे से मन रही है दीपावली, और सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो ढेर सारी बधाई एक बार। और यहाँ पे देखिए नीरज भी आगे, हमने कैमरा उनसे छीन लिया है, हम उन्होंने कैमरा में ही रहते हैं पीछे। नीरज भाई, कैसे मन रही दिवाली? दिवाली पिछले बार तो कोरोना था, ऐसे सही से नहीं हो पाया, इस बार
दिवाली में मोदी जी ने पहले इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है कि लोग सारी दुनिया मैंने सारी भारतवासी खुश है। क्या क्या गिफ्ट मिला है? पेट्रोल डीजल इतना सस्ता हो गया कि इससे लोग त्राहिमाम थे, अभी बहुत आसान हो गया उन लोगों के लिए। तो चलिए देखिए इस तरीके की दीपावली है। एक हमारे साथ में देखिए निखिल है। दरअसल जब इनको पता चला है कि हम लोग यहाँ पर हैं तो निखिल अनम्यूट तो हो तुम, अब कैसे मना रहे हो अपनी दिवाली? तो अनम्यूट करो आप। हाँ कैसे दिवाली मन रही है निखिल? सुबह ही पहुंच कर ऑफिस में पूजा अर्चना की और उसके बाद जो लगातार हम लोग खबरें दिवाली तो एक दूसरी चीज है, वही लोगों तक खबर पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो पहला काम हमारा वो है कि आप तक पहुंचाएं खबरें, उसके बाद हमें पूजा अर्चना करके और अच्छा खासा दिवाली मिल रहा है। उसके बाद अभी हम अपने दुकान पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। निखिल आपके साथ ऑनलाइन थे, इनको खबर हो गई कि हम लोग अभी लाइव मतलब ऑफिस में बातचीत कर रहे हैं लोगों से दिवाली कैसे मन रही है। धीरज यहाँ पे हमारे साथ में नहीं है, दिल्ली संवाददाता हमारे साथ, लखनऊ संवाददाता इस वक्त नहीं साथ में, लेकिन वो सब लोग आपके लिए काम करते हैं। पूरी टीम उत्तर प्रदेश के अंदर की, दिल्ली के अंदर की, झारखंड के अंदर की और पूरे बिहार, पूरे प्रदेश भर में हर जिले में हमारे जो संवाददाता फैले हुए हैं उन तमाम लोगों की वजह से ही आपके लिए हम गोपाल दास नीरज की और हम आपके लिए निष्पक्ष खबरें हैं वो लेकर के आते हैं। एक लाइन है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए दीपावली के मौके पर, वो है हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो, हे जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया है दीपक तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। ये गोपाल दास नीरज की ये लाइनें हैं और इन लाइनों के सहारे न्यूज फाउंडेशन आपको ये वादा करता है कि हम आपके लिए निष्पक्ष खबरें 365 दिन 2400 घंटे लेकर के हाजिर होते रहेंगे। ये हमारी पूरी टीम है, कई लोग जो इस वक्त यहाँ पे साथ में नहीं है, कुछ लोग छुट्टी पर हैं क्योंकि आज फुल स्ट्रेंथ नहीं है, उन तमाम लोगों की तरफ से भी और मैं रोहित कुमार मेरी तरफ से भी आप तमाम दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।